इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भाग 5, इसमें हम पढ़ेंगे संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन कैसे बांटा जाता है, संगठित क्षेत्र को और असंगठित क्षेत्र को। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम आर्थिक कार्य को विभाजित करने के लिए नया तरीका का प्रशिक्षण करेंगे यहाँ पे। इसे लोगों के नियोजित आजकल देखोगे नियोजित शिक्षक लोग होते हैं। पहले होता क्या था, पंचायत से, वार्ड से, ब्लॉक से बहाली हो जाता था, लेकिन उसको नियोजन का हक नहीं मिला। वो एक तरह समझो तो अल्प नौकरी ही उसको मिलता है, आधा नौकरी मिलता है। नियोजन होने के आधार पर देखते हैं उनके काम करने की शर्त क्या है, किस वजह से वो काम करेंगे, क्या कोई नियम और विनियम है जिसका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जा सकता है, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पर कंता की बात है, तो कंता क्या बोलती है। कंता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 साढ़े 9 बजे से शाम 5:30 तक काम करती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक महीने के अंदर में अपना वेतन उठाती है, पाती है अपना वेतन। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, जो फ्यूचर का उसका भविष्य का पैसा जो जमा करती है उसके बारे में जो आपको सुरक्षा मिलता है। आपको कुछ पैसा कटवाना पड़ता है ना पीएफ, जो आपको रिटायरमेंट में मिलता है। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती। इस दिन श्वेतन अवकाश होता है, उस दिन छुट्टी होता है। रविवार को छुट्टी होता है, सब जानते हैं, कोई भी कार्यालय उस दिन खुला नहीं होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक सुनिश्चित पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधित निबंधन, मतलब नौकरी कैसे करना है उसके बारे में निबंधन, मतलब उसका शर्त निबंधन और शर्त का उल्लेख किया गया था उसमें। अब है कमल, जो यहाँ पर दुकान चला रहा है, रेडी चला रहा है। कमल कांता का पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है, जो सामने इधर दैनिक मजदूरी कर रहा है। वह सुबह 7:30 से दुकान जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी का अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि दुकान पर काम करता है, सरकारी भत्ता तो है नहीं। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है, उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है, उसे कोई औपचारिक पत्र भी नहीं मिला नौकरी के समय, और ना ही जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया, और नियुक्ति के लिए भी कोई पत्र कुछ कहा नहीं गया था। जब तक मन करेगा रखेगा, जब तक मन करेगा रख कर काम करवा कर भगा देगा। उसका नियोक्ता जो उसको रखवाया है उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है, जो उसको रखवाया है कभी भी उसको काम से हटाने के लिए कह सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है, जब तक आप किसी धांधली में नहीं पकड़े जाते तब तक आपका नौकरी बचा रहेगा। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र मतलब जिसकी सुरक्षा आपको दी जाए, वो है संगठित क्षेत्र, एक संगठन, तो कांता उसमें काम करती है। संगठित क्षेत्रों में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि होती है, उसका अवधि जो नियम के अनुसार चलता है कि इतना से इतना आपको काम करना है, और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है कि हमको इतना समय में यही यही काम करना है, चले जाना है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है इसके बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। किसे? इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि के उल्लेख में किया जाता है, इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। इतना दूर का आंसर आप याद करके रख लेना। देखो इतना दूर का
ये आला यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से यहां और फिर यहां से यहां तक का यही आंसर हो जाता है कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्यविधि है। आप संगठित क्षेत्र में काम करोगे तो वहां का औपचारिक मतलब उसका अलग संविधान है और कार्य विधि भी उसका अलग होता है कि इतना समय में इतना आपको पैसा मिल जाएगा, काम करो भैया चलते बनो। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, एकदम समय के साथ काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और वे भी सरकार के सामने अपने आप को पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। चाहे नियम हो चाहे अनुशासन हो, दोनों का अनुपालन ये लोग करते हैं। कौन? संगठित क्षेत्र वाले। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, जैसे में आपको रिटायरमेंट मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलता है। उसने उनसे एक निश्चित समय तक, मतलब जितना समय सेट है नौकरी का है 60 साल बस, तो निश्चित समय तक कि काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं, कितना अधिक काम करते हैं, तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो नौकरी देता है, नौकरी में रहकर बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। ये लाभ क्या है? श्वेतन छुट्टी, पैसा मिलेगा छुट्टी लोगे तब भी। अकाल अवकाश काल, तुरंत आप छुट्टी लेते हो तो उसमें भी आपको पैसा मिलेगा, अवकाश काल में भुगतान मिलता है। अवकाश काल में मतलब हो गया कभी प्राकृतिक आपदा आ गया तब भी आपको भुगतान मिलेगा, पैसा मिलेगा। भविष्य निधि, भविष्य निधि मतलब आपको कुछ लोन चाहिए मतलब कर्ज चाहिए तो भी आप नौकरी को उठा सकते हैं किसी भी बैंक से। सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के सेवाएं भी मिलती है। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और चिकित्सक के लाभ पाने मतलब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसे सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। लेकिन ये सब किताबी बातें हैं, इस तरह रियल जिंदगी में आप जाओगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ आपको आपातकाल में पैसा मिलेगा लेकिन सेवा उतना अच्छा नहीं मिलता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो आप फौज में हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अब बाकी नौकरी में हो तो आपको कुकुर भी नहीं पूछेगा वहां का। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं मतलब जब अपने सेवा मतलब नौकरी से वो खत्म हो जाता है, उनका समय खत्म हो जाता है, तो उनको पेंशन भी मिलता है। लेकिन अब पेंशन प्रथा खत्म हो गया, पेंशन नहीं मिलने वाला है, इसलिए सरकारी नौकरी को बाय बाय टाटा करो, अपना जिंदगी में आगे बढ़ो। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्रों में काम करता है। कहां पर? असंगठित क्षेत्रों में। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाई होती है जो अधिकांश सरकारी नियंत्रणों से बाहर होती है। प्राइवेट चलता है, सरकारी नियंत्रण में नहीं होता है, मतलब निजी तौर पे निर्मित होते हैं ये। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। अब देखो उस क्षेत्र का भी नियम और विनियम अनुशासन होता है लेकिन उसके बारे में वहां पर कोई भी उसको मानता नहीं है। वे कम वेतन वाले, एकदम कम वेतन वाले रोजगार करते हैं और प्राय नियमित नहीं है, और यह भी नियमित नहीं है, जब काम करोगे तो पैसा मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप नहीं जाते हो, आपको कुछ भी काम हो उस दिन नहीं जाओगे तो वेतन बंद, छुट्टी चाहिए वेतन उस दिन बंद, कोई भी अवकाश चाहिए छुट्टी बंद, पैसा बंद आपका उस दिन नहीं मिलेगा। बीमार है तो कोई मालिक भला होगा तो आपको पैसा दे देगा नहीं तो नहीं देगा। ये सब प्रावधान वहां पर नहीं मिलता है, ये सब पैसा आप छुट्टी मारोगे तो नहीं मिलने वाला है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, हमेशा आपको कोई गारंटी नहीं है कब निकाल दिया जाए। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं, बहुत से लोग जो हैं नियोक्ता के काम पर निर्भर होते हैं,
कि वो हमको काम दिलवा देगा तो ठीक है, नहीं दिलवाएगा तो गड़बड़ है भैया। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर बिगड़ी अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं, मतलब छोटे मोरे कोई भी काम में लगे हुए हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं, थोड़ा देर मौसमी क्षेत्र में काम करेंगे, उसके बाद से काम उनको बंद हो जाता है, और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। अब जब जरूरत पड़ता है तो मजदूर को लगाते हैं मेहनत करने के लिए, खेत में खटने के लिए। आओ इन पर विचार करते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों को देखें, इनमें से कौन सा असंगठित क्षेत्रों की गतिविधियां हैं। अब बताना है, विद्यालय में पढ़ाना एक शिक्षक संगठित है कि असंगठित है? दोनों है। अगर प्राइवेट है तो संगठित है, प्राइवेट है तो असंगठित है, और सरकारी है तो संगठित क्षेत्र है, ठीक है। अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर। अब देखो, ये सरकारी है तो आपको यहाँ पर संगठित मिलेंगे, और प्राइवेट है तो असंगठित मिलेंगे, दोनों में अंतर है। दो नंबर, संगठित क्षेत्रों में अधिनियम काम करने वाले, हमेशा उस समय नियम से काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें, सभी पहलुओं पर उनके कार्य स्थितियों की तुलना करें। अब देखो, एक प्राइवेट काम करने वाला, एक सरकारी काम करने वाला, दोनों से बात करो और उनके बीच में देखो क्या अंतर हो सकता है, उनके बात में क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उसको लिखना है। 3 नंबर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, मतलब उसके बीच में बंटवारा कैसे करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, क्योंकि उनके दोनों के बारे में विभेद करना है, मतलब बंटवारे उनके बारे में उल्लेखनीय करना है दोनों के बारे में, कि किसमें क्या सुविधा मिलता है, किसमें क्या नहीं मिलता है, ये तो आप ऊपर पढ़कर भी लिख सकते हैं। 4 नंबर, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है। सारणी में दी गई सारणी को सावधानी से पढ़ें, विलुप्त आंकड़ों की पूर्ति करें और प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुल इसको जोड़ देना है, इसको भी जोड़कर इसको भर देना है, और देखो एक है तो यहाँ पर असंगठित कितना होगा, 231। तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं, कृषि में, डेयरी में और मत्स्य पालन में, तो इसमें आ जाएंगे। और एक और था ना, मत्स्य पालन के बाद और कौन सा था, जंगल वाला, वन विभाग, तो इसमें आ जाते हैं। तो 1% है संगठित क्षेत्र, बाकी असंगठित, मतलब 231 कुल। द्वितीय में 41 है तो 74 असंगठित है, तीसरा में 40 है तो 78 कितना है, 78 है असंगठित, 78 नहीं 88, कुल मिला के 172 है कुल। टोटल 100% में से आपको यहाँ पर निकालना है, जो खाली है उसको भर देना है, तो जोर जोर के भरना है यहाँ पे, परसेंटेज निकाल कर कि कितना कितना परसेंट हुआ होता है, ठीक है। अब ये है नीचे, असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या होगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग की ही रोजगार प्रस्तावित करती है, जो संगठित क्षेत्र है उसमें चाहते हैं लोग कि ज्यादा रोजगार मिले, लेकिन कहां से मिलेगा, जगह कहां से लाएंगे। लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं, जो संगठित क्षेत्र भी हैं, क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करने लगे हैं आजकल वो भी लोग भी, क्योंकि उनमें तो काम ज्यादा बचता नहीं है और वो लोग भी सुविधा नहीं दे रहे हैं ज्यादा और हटा देते हैं। वे ऐसे रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए करते हैं, उससे बचने के लिए अपनाते हैं कुछ ऐसी विधि जिससे हम इन लोगों से, लेबर को पैसा देने से, संरक्षण देने से बच जाए। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए विवश हुए हैं, और बहुत से लेबर जो हैं, श्रमिक जो हैं, प्राइवेट निजी कंपनियों में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी
नहीं दी जाती है, सही ठीक तौर से पैसा नहीं मिलता है, उनकी आय कम है और नियमित नहीं है, उनका पैसा भी कम मिलता है और नियम से नहीं मिलता है, इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। समझ में आया? सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट नहीं सरकारी कंपनियां, जैसे मान लेते हैं सरकारी कंपनियों के क्षेत्र में भी बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। कैसे बताते हैं? ये लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं, और ये लोग असंगठित क्षेत्र में थोड़ा सा पैसा पर भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखो पहले जितना भी मिल था सब सरकारी मिल था, जैसे बता देते हैं चीनी मिल सरकारी मिल था, धागा मिल सरकारी मिल था, बहुत सारे मिल थे जो सरकारी तौर पर चलाए जाते थे, लेकिन वो बंद हो गया, प्राइवेट कंपनियां खोल दिए उसको, तो जितने पहले के लेबर थे उनका तो नौकरी गया ना, और वो लोग अब असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे चाचा थे, हमारे दो दो चाचा, हाँ एक का नाम है हरिंदर प्रसाद और एक का नाम है नागेंद्र प्रसाद, और नरेंद्र प्रसाद, नागेंद्र की नहीं नरेंद्र प्रसाद की बात और हरिंदर प्रसाद की बात बताते हैं। ये लोग चीनी मिल में काम करते थे, तो चीनी मिल बंद हो गया, क्या हो गया बंद हो गया, इन लोगों का पैसा देकर इनको इन लोगों को हटा दिया गया, आज भी वो कंपनी बंद है, तो इन दोनों को नौकरी खत्म है। अब तो भैया धीरे धीरे उम्र चलते जा रही है, इसलिए भी हो सकता है अब रोजगार तो उनको चाहिए नहीं, फिर भी उनको लेबर मजदूरी का काम करना पड़ता है। एक जाना है जो मिस्त्री का काम करते हैं घर बनाने में, और एक जो है वो खेतीबाड़ी करते हैं, और सरकारी स्कूल में रसोईया का काम करते हैं। अतः असंगठित क्षेत्रों में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता भी आवश्यकता, सहायता की भी आवश्यकता होती है। अगर कोई भी श्रमिक है चाहे संगठित क्षेत्र में हो चाहे असंगठित क्षेत्र में हो, उनको संरक्षण और सहायता की जरूरत पड़ती है, इसकी आवश्यकता भी उन लोगों को है। यहाँ पर देखो इन लोगों का नौकरी गया है तब ना, यहाँ पर गुटखा बेच रहे हैं, शैंपू बेच रहे हैं, इधर मूंगफली बेच रहे हैं, लिखा गया है जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक जो नियम के तौर पर चलते हैं सब्जियां बेचने या ठेले खींचने या कई अन्य काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और देखे भी जाते हैं। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, मतलब ये लोग कौन है जिनको सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिसके पास जमीन नहीं है वैसे मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, छोटे और बटैया पर लेकर काम करने वाले किसान, फसल बटैया पर जो काम करता है, और कारीगर, कारीगर का काम ही होता है जितना देर सीजन चलेगा काम मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, जैसे बुनकरों, लुहारों, बढ़ाई और सुनार से रचित होता है ये लोग। लोहार का काम कब होगा? ठंडा में होगा नहीं तो गर्मी में होगा, बरसात में उन लोग अभी काम लगभग बंद रहता है। बढ़ई का काम कुछ बनाने वाला, उन लोगों का भी बरसात में काम बंद रहता है, ठंडा में पूरा ठंडा पड़ता है तब भी काम बंद रहता है। सोनार का काम चलते रहता है जीवन भर, उसका काम चलेगा, लेकिन बिकता कब है? शादी के सीजन में। लुहार का काम तो सबसे बढ़िया है, आज के समय में लुहार का काम सबसे बढ़िया है, कोई भी कर दे रहा है। लुहार पहले जात नहीं समुदाय हुआ करते थे, आज लुहार को जाति बनाकर उसको बर्बाद कर दिया गया है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, 80%। इन किसानों को समय से बीज मिलेगा और कृषि उपकरणों, खास भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। जिसमें देखो जितने भी किसान हैं इनको बीज मिलेगा, कृषि उपकरण मिलेगा, सामान मिलेगा, खाद बिया संरक्षण शिक्षा दीक्षा सब दिया जाएगा, कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है ये सब उपलब्ध कराया जाएगा, तभी जरूरत के हिसाब से हम वहां पर बढ़ोतरी कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र, शहरी शहर के क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र हैं, जैसे में कोई भी शोरूम हो गया, दुकान हो गया, ठेला हो गया, रेवड़ी हो गया, सरकारी मंडी हो गया और किराने का दुकान हो गया, ऐसे
लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण जो श्रमिक है वहां के निर्माण करता है, व्यापार एवं परिवहन में कार्य अक्षरिम श्रमिकों, जो व्यापार में और यहाँ पर परिवहन में जो काम कर रहे हैं और सड़कों पर विक्रेता का काम कर रहे हैं, सड़क पर कुछ बेच रहे हैं, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक और वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। कौन सा असंगठित क्षेत्र जो शहरों में है? आपको सबसे ज्यादा दिखेगा कबाड़ उठाने वाला लोग, चलिए उससे ज्यादा दिखेगा यहाँ पर मुड़ी पर लेकर कुछ बेचने वाले लोग, उसके बाद से कपड़ा लेकर गाड़ी पर घुमाकर बेचने वाले लोग भी ज्यादा मिलेंगे। आजकल तो मोटरसाइकिल पे लेकर घूमते हैं, रेवर ले लो, जारे ले लो, चावल ले लो, बर्तन ले लो, हर एक माल है भाई, कुर्सी ले लो ऐसे। और बाकी आपको सड़कों पर बेचने वाले ठेला दिख जाएंगे, फल वाले दिख जाएंगे। और ये लोग जो किसी भी सामान का परिवहन के द्वारा, मतलब ट्रक और टेम्पू के द्वारा एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं, उन लोगों को भी पैसा तभी मिलता है जब माल ढोते हैं। तो माल ढोते हैं तो लोग समझता है खाली पेट्रोल का दाम दे देते हैं बस हो गया। अरे भाई पेट्रोल का दाम देते हैं तो गाड़िया खराब हो जाएगा तो कौन बनाएगा? दूसरा कोई थोड़े बनाएगा, वही ना बनाएगा। तो गाड़ी का पैसा दो, गाड़ी पर ले जा रहे हैं तो पेट्रोल गाड़ी दोनों का पैसा दो, डीजल गाड़ी दोनों का पैसा चाहिए ना। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की पर्याप्त और उत्पाद के विपणन के लिए, किसके लिए? लघु उत्पाद जो छोटे उत्पाद करते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति हो उनको और उत्पादन हो जाए तो उसको बेचा जा सके आसानी से, तो सरकारी मदद की आवश्यकता भी होती है। आकस्मिक श्रमिकों को आमतौर पर देखें तो श्रमिकों को शहरी शहर में या ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वहां पर संरक्षण तो चाहिए भैया। 365 दिन है, करीबन 200 दिन तो नौकरी दो, बाकी दिन काट लेंगे किसी तरह। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक, जहां पर संख्या ज्यादा होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जातियों से हैं। और देखो बहुसंख्यक श्रमिक सबसे ज्यादा लेबर कहाँ से होते हैं? अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा OBC, OBC में BC1, BC2, EBC, ये लोग इसमें आ जाते हैं। जो सबसे ज्यादा रोजगार लेते हैं तो असंगठित क्षेत्र में ही लेते हैं, जहां पर कोई तय नहीं है कि आपको कब निकाल दिया जाए, कब आपको रखा जाएगा। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। देखो कम तो पैसा कमाते ही हैं, लेकिन सामाजिक भेदभाव भी है इनके लिए। हमारा तो फंडा साहब है, जब भी हम आएंगे OBC में BC1, BC2, SC ST, इन सबको मिलाकर एक काम कर देना है, बिहार, मतलब उस राष्ट्र का नाम लेकर, किसका राष्ट्र, देश तो हो गया, एक देश हो गया और उसके बाद से राज्य, तो राज्य समुदाय पर उसको बांट देना है। ये सब जात प्रथा खत्म करके राज्य समुदाय पर बांट देना है, बस काम खत्म। और धीरे 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 उस सबको कम करके सबका जाति प्रथा काम करवा खत्म करवा के उसमें समाज प्रथा को लाना है। मतलब एक समूह होता था, लोहार का समूह, बढ़ई का समूह, कपड़ा बनाने वाले का समूह, लाला का समूह, पढ़ाई वाले का समूह, तो वैसे समूह को जन्म देना है, जिसके लिए लाठी भी चलेगा, भाला भी चलेगा, बर्छी भी चलेगा, सब चलेगा। तो सबको संरक्षण की जरूरत होती है, हर किसी को संरक्षण चाहिए। अब यहाँ पर है, स्मरण कीजिए, याद कीजिए, कुछ थोड़ा सा बात है यहाँ पर बता देते हैं, छोड़िए इसको अगले भाग में देखते हैं, भाग 6 में, ठीक है? इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमें कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, धन्यवाद।